स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी स्टडी कोर्स में। आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, वो है फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2019। तो हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैंने नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा की है। दोस्तों देखिए, आने वाले एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर ही बात करूँगा जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं। और दोस्तों मैंने इनकी पीडीएफ भी इनकी बनाई है, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो देखकर ये करंट अफेयर समझना जरूरी है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको भारत का जो नया प्रपोज्ड मैप है वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो जम्मू और कश्मीर जो राज्य था हमारा, वो अभी दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। तो वो जो यूनियन टेरिटरीज बनी है वो है जम्मू कश्मीर, एक सेपरेट अपनी यूनियन टेरिटरी बन गया है, और जो लद्दाख है वो एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गया है। और देखिए दोस्तों, इस मैप को आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हर स्टेट का जो डेट ऑफ फॉर्मेशन है वो मैंने शो की है। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक प्रपोज्ड मैप है, ये अभी तक जो जम्मू और कश्मीर है ये एक प्रपोजल गया है कि जो मैप होगा वो इस तरह का होगा, जो लैंड जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा जम्मू और कश्मीर का वो इस तरह से होगा। ये अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो इसकी अप्रूवल के बाद जब ये गवर्नमेंट फैसला ले लेगी तो तब वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक के। देखिए, यह है राधा कृष्णा माथुर, ये जो हमारा जो नया यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख। देखिए आप इसमें ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर में दिखाया है, तो लद्दाख के ये नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। देखिए, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वो उपराज्यपाल होता है। जितने भी भारत में जो ये हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उसमें एक दिल्ली राज्य है जिसका एक चीफ मिनिस्टर है। अदरवाइज जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे चंडीगढ़ है, पौंडीचेरी है, तो ये सभी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, तो इन सभी का एक अपना उपराज्यपाल होता है जिसको इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। तो जो लद्दाख के जो पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं उनका नाम है राधा कृष्णा माथुर। देखिए, सेम ऐसे जो ये अपना जम्मू कश्मीर जो राज्य था ये डिवाइड होकर लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में बट गया है, तो जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल जो बने हैं, जो उपराज्यपाल बने हैं और जिनको इंग्लिश में लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोलते हैं, उनका नाम है G.C. मुर्मू। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का क्या नाम है या फिर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल का क्या नाम है। तो ये दोनों ही इस हफ्ते के काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत ये पर्व है, ये एक इवेंट है, इसको जो नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट है वहां पर लॉन्च किया था। और इसकी जो ये डेट है कि ये कब से कब तक ये रहा था, तो ये इवेंट ऑर्गेनाइज रहा था 31 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2019 तक। तो मतलब ये टोटल 4 दिन तक ये इवेंट चला था। देखिए, जो भारत की आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, उसको उसका जो फर्स्ट रेजिमेंट ऑफ 18 इंडिजिनसली अपग्रेडेड धनुष आर्टिलरी गन्स मिलने वाली है मार्च 2020 तक। देखिए क्या होता है, इंडिजिनसली का मतलब होता है कि जो गन्स या फिर कोई भी मटेरियल जो हमारे ही अपनी कंट्री में बनता है। देखिए, अगर इंडिजिनसली कहीं पर भी कोई शब्द लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसके जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जो भी मटेरियल है इस चीज़ को बनाने में, जैसे यहाँ पर गन्स की बात हो रही है, तो गन्स को बनाने में जो भी मटेरियल लगा है वो सभी हमारी ही कंट्री का है, कि मतलब हमने फॉरेन कंट्री से या फिर विदेशी कोई भी सामान का इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये न्यूज़ ये है कि 2020 के मार्च तक जो 18 अपग्रेडेड धनुष आर्टिलरी गन्स हैं, जो बंदूकें हैं, वो भारत की थल सेना को मिल जाएगा, मतलब इंडियन आर्मी को मिल जाएगा। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 के कंप्लीट होने तक तो ये जो धनुष की आर्टिलरी गन्स हैं, ये अपग्रेडेड वर्जन है आर्टिलरी गन्स का, तो इसकी 114 गन्स 2022 तक हमारी इंडियन आर्मी को मिल जाएगी।
देखिए जो अगला करंट अफेयर है ये इस हफ्ते का, देखिए जो सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं आदित्य मिश्रा, उनको अभी रिसेंटली LPAI मतलब लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन चुना गया है। ये जो मिश्रा जी की ये जो अपॉइंटमेंट है, जो आदित्य मिश्रा की ये अपॉइंटमेंट है, ये अप्रूव की गई है बाय द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट मतलब ACC के द्वारा। देखिए अगला करंट अफेयर जो हमारा कहता है गाइस कि अ नेवल एक्सरसाइज कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग 2019, तो ये एक्सरसाइज का नाम है कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मतलब CARAT जिसको कैरेट भी बोलते हैं। तो ये US और बांग्लादेश के बीच में कंडक्ट की गई है और ये जो कंडक्ट हुई थी बांग्लादेश कंट्री के छत्तोग्राम में कंडक्ट की गई थी 4 नवंबर को। तो दोस्तों देखिए जो क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि जो US और बांग्लादेश के बीच में रिसेंटली कौन सी एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम आप बता देंगे और ये कब हुई थी, ये 4 नवंबर को हुई थी और ये कहां पर हुई थी, ये बांग्लादेश के छत्तोग्राम में कंडक्ट हुई थी और ये नेवल एक्सरसाइज थी कि मतलब इसमें दोनों कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। देखिए जो नोवाक जोकोविच हैं ये एक लॉन टेनिस प्लेयर हैं, इन्होंने साल 2019 का पेरिस मास्टर्स का जो खिताब है, जो टाइटल है वो जीत लिया है और ये इनके करियर का जो पेरिस मास्टर्स का ये 5वां खिताब है जो इन्होंने जीता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि इस साल का या फिर साल 2019 का पेरिस मास्टर्स जो टाइटल है वो किसने जीता है, तो इसमें आप नोवाक जोकोविच का जो ऑप्शन आएगा उस पर टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगला करंट अफेयर जो हमारे एक इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो जर्मन चांसलर है, जो जर्मनी जो कंट्री है वहाँ की जो चांसलर है एंजेला मार्कल, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि जर्मनी कंट्री मतलब उनकी जो गवर्नमेंट है वो भारत में अगले 5 सालों में जो 1 बिलियन यूरोज इन्वेस्ट करेगा और जिसमें जो जर्मनी ये भी प्लान कर रहा है कि जो भारत का राज्य तमिलनाडु है तो वहाँ के जो बस सेक्टर में मतलब जो ट्रांसपोर्ट का जो बस का सेक्टर है उसमें 200 मिलियन यूरो को इन्वेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि जर्मनी ने मतलब वो कितने यूरोज या फिर कितनी मनी भारत में अगले 5 सालों में इन्वेस्ट करने का फैसला लिया है, तो उसका जवाब है 1 बिलियन यूरोज। और दोस्तों देखिए एक बात और बता देता हूं, जो जर्मनी की जो कैपिटल है वो देखिए मैंने इसमें शो की है मैप में, इसके कैपिटल का नाम है बर्लिन। देखिए ये है, इनको कौन नहीं जानता, इनका नाम है रजनीकांत। जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने जो इनको रजनीकांत को इस साल का द आइकन ऑफ द गोल्डन जुबली ऑफ IFFI अवार्ड जो कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स का जो अवार्ड है उसमें इनको एमिनेंट फिल्म पर्सनैलिटी के तौर पर चुना है और ये इनको ये जो अवार्ड देने की घोषणा की है, ये अवार्ड देने की घोषणा की है प्रकाश जावड़ेकर जी ने। और ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं यह है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो ठीक है दोस्तों, तो इस साल का ये जो गोल्डन जुबली ऑफ IFFI अवार्ड ये किसको दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा रजनीकांत जी को। देखिए जो अगला हमारा करंट अफेयर है वो ये है कि वेयर इज द 8th मीटिंग ऑफ इंडो जर्मन एनर्जी फोरम या फिर IGEP वॉज कंडक्टेड, तो इसका जवाब है न्यू दिल्ली। देखिए इसमें दो क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो इंडो जर्मन एनर्जी फोरम की जो नई दिल्ली में मीटिंग हुई थी ये कौन सी मीटिंग थी, तो आप बता देंगे कि 8th मीटिंग थी। ठीक है, और या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 8th मीटिंग ऑफ इंडो जर्मन एनर्जी फोरम कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, तो ये हुई थी भारत के नई दिल्ली में। देखिए ये है इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन, इनको इस साल लंदन की तरफ से यूथ आइकन अवार्ड मिला है। देखिए लंदन का एक कॉलेज है इंपीरियल अवार्ड, ये लंदन में अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान वहां पर गई थी तो वहां पर उनको इस इंपीरियल कॉलेज की तरफ से यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि लंदन की इंपीरियल कॉलेज में किस बॉलीवुड एक्ट्रेस को या फिर किस को यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है, तो आप बिना सोचे उस पर टिक मार कर देंगे विद्या बालन। देखिए रिसर्चर्स एट द IIT हैदराबाद डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर इंडियन ब्रेन एटलस। देखिए दोस्तों एटलस का मतलब आप जानते हैं कि जो पूरा रास्ता बताता है, आपने एटलस देखा होगा जो मैप्स का या फिर किसी स्टेट के मैप का वर्ल्ड एटलस,
तो एटलस का मतलब वही है कि इन्होंने एक तरह से भारत के जितने भी लोग, मतलब भारत का जो ब्रेन्स है कि इंडियन का ब्रेन्स किस प्रकार का होता है, कैसा होता है, तो उस पर रिसर्च की है। तो इससे ये पता लगाया है कि जो भारत के जो लोगों का जो ब्रेन है वो वेस्टर्न कंट्रीज के ब्रेन से कम होता है, मतलब उनका साइज छोटा होता है, उनकी चौड़ाई, उनका वॉल्यूम, सब चीज़ कम होती है। तो मतलब कि जो भारत का जो ब्रेन है, जो भारत के लोगों का जो ब्रेन है, तो वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में उसके साइज़ में छोटा है। तो दोस्तों ये जो पता लगाया है, ये पता लगाया है IIT हैदराबाद के रिसर्चर्स ने। देखिए ये है लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी। दोस्तों इनको इस बार ये DGAFMS का इन्होंने पदभार संभाल लिया है। मतलब जो क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज कौन बने हैं, या फिर किन्होंने ये पदभार संभाला है, कि किसने ये चार्ज टेक ओवर किया है, तो इसका जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी। देखिए जो लेफ्टिनेंट जनरल जो रैंक है, अगर आप जो रैंक्स के बारे में आपको मालूम है, स्पेशली जो डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये रैंक के बारे में बिल्कुल मालूम होना चाहिए। जो आर्मी की जो सबसे जो ऊपर की रैंक होती है वो होती है जनरल, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल, और इस तरह से पूरी जो हमारी तीनों सेनाओं की रैंक्स हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप मुझे जो हमारा NCERT स्टडी कोर्स जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है उस पर मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर हमारे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस करंट अफेयर में आपका यही है कि जो DGAFMS कौन बने हैं, तो इसका जवाब है लेफ्टिनेंट जनरल अनूप बनर्जी। देखिए आपको एक बात और बता देता हूं कि जो आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज है, देखिए जैसे जितने भी मिलिट्री हॉस्पिटल्स होते हैं, एक्चुअली जो भी डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, तो उनके लिए अपने अपने मिलिट्री हॉस्पिटल्स बने होते हैं, कमांड हॉस्पिटल्स बने होते हैं, तो वो सभी इसी के अंडर में आता है। AFMS के अंडर में ये सारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स आते हैं। देखिए जो हमारा अगला करंट अफेयर है वो है द 35th एशियन समिट बिगेन इन बैंकॉक थाईलैंड फ्रॉम 1st to 4th November 2019। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी दो या तीन क्वेश्चन बन रहे हैं कि इस साल की जो एशियन समिट हो रही है ये कौन सी है। ये है 35वीं, मतलब 35th ये एशियन समिट है। ये कहाँ पर कंडक्ट हो रही है, कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है, ये हो रही है थाईलैंड के बैंकॉक में, और ये कब से कब तक ऑर्गेनाइज रहेगी, तो ये भी 4 दिन तक रहेगी, मतलब 1 से 4 नवंबर तक ये एशियन समिट ऑर्गेनाइज रहेगी। देखिए द फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया इज टू बी हेल्ड इन 2020। देखिए जो भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में 2020 में पहली नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट होने वाली है। एक्चुअली आज से पहले कभी भी भारत और सऊदी अरेबिया के बीच की जो नौसेनाएं हैं, इनके बीच में आज तक कभी भी इस प्रकार की कोई बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट नहीं हुई है। 2020 में ऐसा प्लान किया गया है कि 2020 में भारत की नेवी और सऊदी अरेबिया की नेवी आपस में एक एक्सरसाइज को कंडक्ट करेंगी। देखिए जो भी एक्सरसाइज कंडक्ट होती हैं, इनका मेन पर्पस यही होता है कि आपस में कि अगर कभी एक कंट्री को दूसरे कंट्री की रिक्वायरमेंट होगी या जब कभी जरूरत होगी तो किस तरह से वो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर सकेंगे। देखिए इनका नाम है पवन कपूर जी, ये एक सीनियर IFS ऑफिसर हैं। इन्होंने अभी रिसेंटली इन भारत के न्यू एम्बेसडर टू द UAE बन गए हैं। कि मतलब एक क्वेश्चन आपका आ सकता है MCQ में कि यूनाइटेड अरब इमीरात्स जो कंट्री है वहां पर जो भारत की तरफ से नए एम्बेसडर कौन बने हैं, तो वो है पवन कपूर। देखिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू ओपन 100 एडिशनल एयरपोर्ट्स बाय 2024। देखिए जो भारत की केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने ये प्लान किया है कि साल 2024 तक भारत में 100 नए एयरपोर्ट्स जो हवाई अड्डे उनका निर्माण कर दिया जाएगा। एक्चुअली ये जो प्लान है ये इस तरह से किया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनाउंस कर चुके हैं कि जो भारत का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने एक टारगेट सोचा है कि हमें भारत की इकोनॉमी $5 trillion तक 2025 तक हमें बना देनी है। कि भारत की इकोनॉमी साल 2025 तक
$5 ट्रिलियन पहुंचनी है। तो उसको तो उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत तो ये साल 2024 तक 100 नए एडिशनल एयरपोर्ट्स का निर्माण करने की ऐसी कोशिश रहेगी कि साल 2024 तक भारत में 100 नए एडिशनल एयरपोर्ट्स तैयार हो जाएं। देखिए, यह है अनूप कुमार सिंह जी, ये अहमदाबाद सिटी के पहले पुलिस कमिश्नर थे जो कि एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। इनको अभी रिसेंटली एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है, ये चुने गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। और जो हमारे जो होम मिनिस्टर हैं उनका नाम है अमित शाह जी। देखिए, यह है राफेल ग्रोसी, ये एक अर्जेंटीना जो हमारी एक कंट्री है इस दुनिया में, अर्जेंटीना के एक डिप्लोमेट हैं। इनको अभी रिसेंटली नया डायरेक्टर जनरल चुना गया है आईएईए का। तो दोस्तों, आईएईए की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। और इन्होंने जिनको रिप्लेस किया है, या फिर राफेल ग्रोसी से पहले जो इसके डायरेक्टर जनरल थे आईएईए के, उनका नाम था युकिया अमेनो। तो दोस्तों, इस हफ्ते के करंट अफेयर्स में इतना ही। आपको एक बात बता देता हूं कि आप हमारे रेगुलर अपडेट्स को पढ़ने के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी स्टडी कोर्स। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।